चलिए दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले बहुत ही बड़ा पैकेट। ये इतना ज़्यादा बड़ा पैकेट दे दिया है और बोलने का कोई बात ही नहीं है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले ओप्पो एफ 19 प्रो प्लस 5G का बैक केसेस बोल सकते हैं, बेस्ट प्रोटेक्शन केसेस बोल सकते हैं आप लोग, मेरा मानिए तो। बट वीडियो अच्छी लगने से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए। तो यहाँ पर ये साइड से भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ से हमने हटा चुका है, तो ज़्यादा नहीं खुलते हैं इसको, यहाँ से ही निकाल देंगे इसके अंदर से जो चीज़ें। तो चलिए ये वाला तो निकल गया है, इसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं कैसा पैकेटिंग है। ये बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से भी पैकेटिंग मिला, ओप्पो एफ 19 प्रो प्लस इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओप्पो एफ 19 प्रो प्लस यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए इसको केसेस का खास क्या है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। ये तो पूरा ही सिलिकॉन की तरह ही है, जो इसके अंदर से ये वाला चीज़ें है ना, तो इसमें आप लोगों को दिल बैठने का बस, ऐसे आप लोग मोबाइल फ़ोन को लेके घूमेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर भी आपका हैंड से नहीं निकलेंगे ऐसे करेंगे, कुछ मूवी वगैरह देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्टैंड करेंगे फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इसको इस प्रकार से करेंगे तो इसका कैमरा का जो स्क्रैच है, ऐसे रखने से आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा का स्क्रैच भी बच जाएगा, ऐसा है इस क्वालिटी इसके अंदर से। तो यहाँ पर अंदर की तरफ सेंसर की है तरह दिया गया है, तो इसको हटाएंगे तो ये वाला चीज़ भी हट जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया, क्योंकि मुझे इन हैंड फील भी बहुत ही अच्छा लगेगा एंड कलर भी ब्लू है। एंड उसके बाद इसको आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसका स्क्रैच टेस्ट भी बताएंगे। एंड इसका फाइनल प्राइस है ओनली फॉर 179 रुपीज़। 79 रुपीज़ कभी कभार अप एंड डाउन रहता है। मेरा इस बार का जो ऑर्डर किया गया था वो प्लस मेंबर का अकाउंट था, मेरा खुद का ही पर्सनल अकाउंट से ऑर्डर किया था, मेरा लिए ही ऑर्डर किया, इसलिए ऐसा क्वालिटीज का दे रहा है। एक केसेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे इसको हिलाने से या मोड़ने से ऐसे इसका स्टिक का थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता था, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग मैंने टेस्ट कर चुका है बहुत ही बार एंड इसको ऐसे कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसे करने से कुछ हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, तो इफेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जो बाहर से निकल नहीं आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया है। तो चलिए ना इसको थोड़ा स्क्रैच विस्क्रैच कर दिया गया है, तो स्क्रैच करने के लिए मैंने ये वाला चीज़ लिया हूँ। तो मेरे पास स्क्रैच करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें ही नहीं थी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको स्क्रैच करते हैं तो ज़्यादा कुछ स्क्रैच नहीं आ रहा है, अंदर की तरफ से नहीं आएगा, नीचे की तरफ से आप लोग देख सकते हैं घसने जैसा आवाज़। यहाँ पर आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा स्क्रैच आ रहा है। तो ये सिलिकॉन का केसेस है, इसलिए स्क्रैच करने के लिए आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब इसमें स्क्रैच आएगा ही नहीं ज़्यादा, आप लोग हैंड से निकल जाएगा, हैंड से फिसल जाएगा, फिर भी आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अभी भी आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ऐसे ही आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलता रहेगा। एंड आप लोग किसी भी टॉपिक के अंदर आप लोग क्यों नहीं मुझे कमेंट करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए मुझे किस टॉपिक के लिए आप लोगों को वीडियोज चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग कैमरा का कटआउट भी सही है, इसके अंदर से और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे स्क्रैच करेंगे तो यहाँ से आप लोग स्क्रैच हो जाएगा, क्योंकि ये सिलिकॉन का केसेस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे मैंने काट दिया तो ये नरम था इसलिए काट चुका है, तो इसके अंदर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको भी काटने के लिए कोशिश करेंगे तो ये भी चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये भी चला गया, तो इसी प्रकार से इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ऐसे ही वीडियो देख के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को।